दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। चोरियां तो होती ही हैं, लेकिन पुलिस चौकी के पास ही चोरी हो रही है। पर्वतीय कॉलोनी में नगला रोड पर आप लोग देख रहे हैं, दानव कलेक्शन है और कपड़ों का शोरूम है, दुकान है। यहाँ पर लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफी लोग भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं किस तरह से शटर को तोड़ा है और किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपकी दुकान है भाई साहब? जी सर, मेरी दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है, दानव कलेक्शन नाम से दुकान है। हाँ हाँ, तो चोरी हो गई रात में? रात में जी चोरी हो गई है, शटर पूरा तोड़ दिया है, शीशे तोड़ दिए, जितना भी सारा सामान था उठा के ले गए। ऑटो से आए थे चोर। ऑटो से आए थे? पहले हम दिखा देंगे किस तरह से शटर को तोड़ा है। ये देखिए, ये शटर है, इसको टेढ़ा कर दिया। कोई उनके पास औजार रहा होगा, इससे इन्होंने इसको टेढ़ा किया है। फिर शीशे वगैरह तोड़े हैं, दिखा देंगे अंदर से। शीशे वगैरह तोड़े हैं और अंदर घुसे हैं, चोरी की है। तो कितने की चोरी होगी मनीष जी? ये जी 5.5-6 लाख रुपए की चोरी करके गए। अच्छा, कैश भी गया है? कैश गया है, 25,700 कैश था मेरा इसमें, और एक लैपटॉप था, बिल वाला लैपटॉप भी ले गए। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। तो क्या क्या बेचते, किस तरह के कपड़े होते हैं आपके पास? ये सारा मेंस वेयर का कलेक्शन है, हमारा इम्पोर्टेड आर्टिकल है, मतलब यहाँ की अच्छी दुकान है हमारी, सबसे महंगे कपड़े होंगे, कपड़े सारे बेचते हैं। अच्छा। हाँ, मेंस पुलिस आई यहाँ पर? पुलिस सुबह आई थी, वो अपना बयान लिखवा के लेके गई हमसे। कैमरे भी है, कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह हमने सारी प्रोवाइड करा दी है, उसमें सब कुछ है। हाँ, 4 जने थे, 3 जने अंदर आए, एक ऑटो वाला था, यहाँ रोक के पहले तो तोड़ के फिर ऑटो आगे लेके गए, फिर वापस लेके आए, फिर सारा माल भरा है उन्होंने, यानी ऑटो में भर लिया है सारा माल और लेकर भाग गए। तो दुकान खोलेंगे? खुल रही दुकान? नहीं, दुकान तो नहीं खुल रही है। आओ, मैं आप अंदर से दिखा देता हूँ आपको, सारा अंदर से भी देख ही लेंगे। अच्छा, वो तुम अच्छा, अभी रहन दो। हाँ, ऊपर नहीं जाएगा, 1 मिनट रहन दो, आराम से आएंगे। लाइट जला लेना कैमरामैन, आराम से। हाँ, लाइट जला लो आराम से, बस ज्यादा लोग मत आओ। हाँ, लाइट जला लो भाई, कैमरामैन। हाँ, अच्छा जी, चलो लाइट भी जल गई। शीशे वगैरह टूट गए हैं जी? अच्छा, ये सारे कपड़े ले गए होंगे भर भर के? हैं जी। हाँ, अच्छा, जो महंगा सामान था सारा ले गए हैं जी। तो देख सकते हैं, मुझे लगता है पूरा पहले से रेकी की गई होगी, पता लगाया होगा किस तरह के माल यहाँ पर होते हैं, किस तरह के कपड़े होते हैं, कितने महंगे कपड़े होते हैं। और बिलिंग का लैपटॉप भी ले गए, गल्ला वल्ला सब ले गए, जो है जो भी उनको मिला होगा सारा ले गए। हाँ सिंह भाई साहब? हाँ जी सर। तो महंगे सामान होते हैं तो सारा उठा जी? बिल्कुल सर, ये लगा लीजिए कि 1500 तक की जींस वगैरह है, जैकेटें हैं 2000 की, जो भी है, शर्टें भी 700-800-900 रुपए तक की थी, सारे विंटर आइटम जितना भी था सारा का सारा, हुडीज वगैरह, स्वेट शर्ट, विंटर सब लेके गए हैं, ये लगा लो। फुटेज है आपके पास? हाँ जी सर, फुटेज है। अभी दिख सकती है? हाँ जी, कैमरे वगैरह में है? जी सर, कैमरे में। ब्राइटनेस बढ़ाना। अच्छा, एक मिनट। देख रहे हैं मेंस गारमेंट की शॉप है और यहाँ पर जो है महंगे आर्टिकल्स होते हैं। और ये सारा सामान क्या है भैया? ये सर परफ्यूम वगैरह है, वो भी ले गए हैं कुछ? अच्छा, ये फुटेज थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा लाइट बंद करना तो सही से दिख जाएगी। एक मिनट दिखाते हैं आपको किस तरह से चोरी कर रहे हैं। दिखाओ भाई कैमरा मैन, सीधा करके कैमरा। हाँ, तो ये वीडियो है, आप लोग देख रहे हैं, फिर से करना भाई साहब। शटर तोड़ रहे हैं? अच्छा, ये अंदर घुस गए हैं। अच्छा, ये सारा माल लूट रहे हैं तो भर रहे हैं। देखिए थैला, ऑटो वाला भी दिखाओ। हाँ, ऑटो था, ये हमने उधर से आगे से पूछा। हाँ, देखिए किस तरह से आते हैं ऑटो में, प्लानिंग के साथ आए थे कि माल जो है ऑटो में भर के ले जाना है। ये ऑटो था जी? हाँ जी। अच्छा, ये ऑटो भी था, इसका नंबर वगैरह आया कि नहीं? नंबर प्लेट नहीं है, प्लेट नहीं। वो चालाकी से आए हैं। हाँ, ये देखो, हाँ ऑटो रुकवाए भाई ने, ये लड़का है। हाँ ठीक है जी। अच्छा, अभी ऑटो को बुला लेगा। हाँ। अच्छा, ये चोर है ना? ये चोर है, चोर है। हाँ। अच्छा, बुला रहा है कि भाई आ जाओ, हमने माल इकट्ठा कर लिया। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से चोरी हो रही है, प्लानिंग के साथ चोर आते हैं। ये देखिए ऑटो आ चुका है, इसमें सारा माल ये भर रहे हैं। देखिए किस तरह से माल भर रहे हैं।
और ऑटो की नंबर प्लेट निकाल दी होगी, इनको पता होगा। ऑटो भी नया ही लगा है। लोगों ने मुंह मार रखा कपड़ा। स्विगी का लोगो लगा हुआ पीछे। अच्छा स्विगी का लोगो। अच्छा इन्होंने जो चोर है उनकी फोटो वगैरह आई है इसमें फुटेज में है, बाकी और कोई फुटेज है? तो खोलिए मैं जब तक। अच्छा तो नजदीक पुलिस चौकी है मुझे लगता है। हाँ जी सर ये नजदीक ही है, बिल्कुल 100 मीटर दूर है पुलिस चौकी, 100 मीटर दूर है। लाइट करो एक बार और। हाँ फिर से दिखा देते हैं। हाँ ये जला दो भाई, इसमें हो सकता है फोटो आ जाए उसकी, लड़के की हल्की फुल्की फोटो आ रही है वो। हाँ ये लाइट टोपी वाला मैं डाउनलोड कर लूँ एक बार, है ना, तो आपको साफ दिखेगी। एक सेकंड मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा। तो फोटो देखते हैं, हो सकता है फोटो आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जुड़े हैं चैनल से, क्राइम ब्रांच वाले भी देखते रहते हैं कि कोई पस उनको जो है पहचान में आ जाए। तो 5 लाख का माल था जो सारा का सारा निकल गया है, ऊपर भी था, जल्दी जल्दी में ऊपर का तो लेके नहीं जा पाए हैं, पर ये सारा का सारा ये लगा लो गले में कैश था, जितना भी नीचे का था सारा 4 से 5 लाख का माल पूरा का पूरा लेके जा चुके हैं। हाँ जी उधर हेलो। चोरी तो हो गई, लेकिन हमने देखा है पीछे फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीमें काफ़ी एक्टिव रहती हैं और चोरों को पकड़ लेती हैं, तो यहाँ भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि जल्दी चोरों को पहचाने, उनको पकड़े और इनका माल इनको वापस दिलाए। थोड़ा फिर से लाइट हो। चोरों का टीम भर ये भाई है ना, इसकी शक्ल तो फिर हल्की फुल्की दिख रही है, मास्क लगा रखा है इस भाई ने। ये चार कट्टे लाए थे, चार कट्टे भरने के बाद फिर इन्होंने और माल निकाला है। अभी ऑटो लेके आए उसमें से ही कट्टा लिया। तो देख रहे हैं दोस्तों फुटेज भी हमने आपको दिखा दी किस तरह आराम से बेखौफ होकर चोरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा, वरना जो पब्लिक में एक डर पैदा हो जाएगा। यहाँ पर हजारों दुकानें हैं और पुलिस चौकी भी है, अगर इस तरह पुलिस चौकी के नज़दीक ही चोरी होगी तो लोग समझ सकते हैं कितना डर जाएंगे। हालांकि अगर 2-3 दिन में पकड़ लेते हैं, इनका माल वापस दिला देते हैं, तो हो सकता है फिर से पुलिस पर प्रशासन पर भरोसा कायम हो जाए दुकानदारों का। चोरी है। अच्छा इस हफ्ते की ये दूसरी चोरी है, आगे अभी इस हफ्ते पहले एक फोन फौजी कम्युनिकेशन पे भी चोरी हुई। हाँ पे भी चोरी हुई है, वो भी ऑटो में ही आए थे, और ये भी चोरी है सेम ही ऑटो में हुई है। बिल्कुल जी, उनको पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन लोग चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और कौन लोग इस तरह से दुकानों का नुकसान कर रहे हैं। वो पकड़े गए फौजी वाले पे अभी मुझे नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। वहाँ तो फुटेज भी नहीं थी, यहाँ तो आपके पास फुटेज है, कैमरा है, हर चीज दिखाई दे रहा है, देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी, पूरी प्लानिंग से आए थे वो लोग। ठीक है सर, क्या मांगे पुलिस से? पुलिस से यही है कि प्रशासन जल्द से जल्द जो भी है हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि फिर हमारा घर भी इसी से चलता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिले, ताकि हम फिर बिल्कुल आए। में भी आपके पास जो है काफी। हाँ जी जी बिल्कुल सर, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे उसी में ही है, पूरा दुकान का बिल वगैरह जो भी है अपना सारा हिसाब किताब उसी में ही है, तो दिक्कत तो होगी जो भी है लेना है देना है सबका जो भी है सारा का सारा उसी में ही था। पुलिस से यही मांगे कि चोरों को पकड़े, इनका माल वापस दिलाएं। नगला रोड पर पर्वतिया कॉलोनी में पुलिस चौकी के बिल्कुल पास में ये वारदात हुई है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।